So guys, finally भाई साहब यहाँ पे get ready to witness भाई साहब India's मतलब biggest franchise, comedy franchise भाई साहब यहाँ पे yes finally announcement हो गया। मैं आपको बता दूँ, मुझे announcement से ज़्यादा खुशी भाई साहब किस चीज़ की हो रही है, director भाई director यहाँ पे फराज साहब जी का लाभ आ रहा था, उसका लात मार के भगा दिया गया। एंड आपको बता दूँ, अगर फराज साहब जी होता तो गाइज यहाँ पे 110% चांसेस थे। एंड इस चीज़ को लेकर बातें होना शुरू हो चुकी थी ऑलरेडी इस अनाउंसमेंट से पहले ही कि भाई साहब यहां पे अक्षय पाजी इस मूवी को नहीं करते, लेकिन भाई साहब यहां पे साजिद नाडियाडवाला इस चीज को समझा एंड भाई साहब यहां पर उसने एक जबरदस्त भाई साहब जबरदस्त खुशखबरी फाइनली आ चुकी है। अक्षय पाजी ने फाइनली इस चीज की भाई साहब पोस्ट शेयर कर दिया भाई साहब यहां पे इंडिया की मतलब बिगेस्ट एंड सक्सेसफुल फ्रेंचाइज भाई साहब यहां पे हाउसफुल 5 भाई साहब हाउसफुल 5 टाइम्स मैडनेस के साथ आ रहा है दिवाली 2024। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली होगी। वैसे बताओ भाई साहब यहाँ पे ना सच बता रहा हूँ कि मुझे ना अनाउंसमेंट से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अनाउंसमेंट तो कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन भाई साहब यहाँ पे खुशी पहले डर था कि यार भाई साहब यहाँ पे जिस तरह से फराज साम जी ने भाई साहब हेरा फेरी के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं भाई साहब यहाँ पे, यार हाउसफुल 5 के साथ वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाउसफुल 4 किस लेवल की इस बंदे ने बनाई थी। इस बंदे को डायरेक्ट करने का जब मौका मिला था हाउसफुल 4, इसने कोई कसर नहीं छोड़ा भाई। बाला का कैरेक्टर याद है हाउसफुल 4 का? आज भी लोग उस चीज़ के लिए ट्रोल करते हैं अक्षय पाजी को, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर कितने सारे प्रॉब्लम्स हम लोग ने देखे भाई। एंड भाई साहब यहाँ पे ओ माय गॉड, काफी कुछ खबरी भाई साहब यहाँ पे इस मूवी को ड्रेड करने वाले तरुण मनसुखनी। एंड गाइस आपको बता दूं, तरुण मनसुखनी में भी हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को इनके बारे में आइडिया नहीं होगा, बट भाई साहब ये वही डायरेक्टर भाई साहब जिन्होंने बनाया था फिल्म शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है भाई, ये वही बंदा है जिसने भाई साहब यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के साथ मूवी बनाया था ड्राइव भाई साहब, ये वही बंदा है जिसने भाई साहब यहाँ पे दोस्ताना मूवी बनाया था अभिषेक बच्चन एंड जॉनी इब्राहिम के साथ, वन ऑफ द सक्सेसफुल कॉमेडी एंड रोमांटिक ड्रामा और फिल्म। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा है जिसने लगभग हर जॉनर की मूवीज बनाई है एंड जबरदस्त भाई साहब कोशिश करता है एक सक्सेसफुल फिल्म बनाने के लिए। ऊपर से भाई साहब जब हमारे पास एक्टर्स इतने दमदार, मतलब लिस्ट आप देखो एक्टर्स की, इतने तगड़े तगड़े जब एक्टर्स होंगे तो भाई बस हमको डायरेक्टर को बस ये बोलना होता है कि ये करना है एंड वो चीज़ डन हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है, काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको फिर से बोलूँगा कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी कि भाई साहब यहाँ पे फराज साम जी नहीं है, क्योंकि अगर वो बंदा होता तो 110% अक्की पाजी इस मूवी को नहीं करने वाले थे, ये न्यूज़ लगभग लगभग कन्फर्म हो चुकी थी। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मेन टाइम पे एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ आ चुका है, साजिद नाडियाडवाला ने इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान में रखा है एंड भाई साहब यहाँ पे उन्होंने लेकर के आए तरुण मनसुखनी एंड डेफिनेटली इस चीज़ के बाद काफ़ी ज़बरदस्त गुड मतलब मज़ा आ रहा है, खुशियाँ ही खुशियाँ क्या ही बोलना। दिवाली 2024 पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो सिनेमा हॉल्स के अंदर। सो लेट्स सी कब तक भाई साहब इस मूवी से रिलेटेड और ज़बरदस्त जानकारी निकल करके आती है। एंड फाइनली एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन गाइस दूर हो गया, आप अगर प्लीज़ कमेंट करेगा एंड इस अनाउंसमेंट के बाद कितनी खुशी हो रही है प्लीज़ कमेंट करिएगा भाई साहब। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होने वाला है इस मूवी के अंदर प्लीज़ कमेंट करिएगा, और जो भी आपकी डाउट्स है क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं, बाय बाय, चैनल पर सब्सक्राइब करना बोलना, बाय बाय।